नमस्कार, मैं महागुरु गौरव आप सभी को वर्ष 2018 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी राशि के सभी जातकों के लिए शुभकारी रहे, मंगलमय रहे। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में जब सुख आता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दुखों से दूर रहना, और हमें दुख जब भी आएंगे वो तो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो उस समय जब दुख आए या दुख ना आए, उनको 2018 आपके लिए शुभकारी व्यतीत तो उनके लिए क्या डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों को उपाय करने चाहिए, इसके बारे में मैं महागुरु गौरव आपको बताता हूँ। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों को 2018 में किस तरीके के उपाय करें कि साल अच्छे से व्यतीत हो, तो सर्वप्रथम उपाय है कि उगते हुए सूर्य की उपासना करना। नित्य सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करें, पीले रंग के चंदन से अर्घ दें और 11 बार सूर्य नमस्कार करें। माणिक या सोने के लॉकेट, सूर्य वाला लॉकेट को गले में धारण करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी सेवा करना आपके लिए हमेशा लाभकारी साबित होगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले मीठी वस्तु खाकर और पानी पीकर घर से निकलें। तुलसी के पौधे में हर शाम को घी का दीपक जलाएं। रविवार को सूर्य गायों को सूर्य के समान रोटी बनाकर अपने स्वयं के हाथों से खिलाना आपके लिए लाभकारी और कल्याणकारी साबित होगा। मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न या वस्त्र नहीं लेना है। मांस मदिरा से आपको दूर रहना है, ना पीना है ना पिलाना है। सूर्य यज्ञ कराना आपके लिए शुभकारी होगा। सूर्य के जाप कराना भी आपके लिए मंगलमय रहेगा। गायत्री यज्ञ कराना भी आपके लिए शुभकारी साबित होगा। रविवार के दिन बिना नमक के भोजन कर उपवास करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना और उनके बीच दवा का वितरण करना शुभकारी रहेगा। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना, ये कुछ उपाय हैं जो इस राशि के जातक यदि करते हैं तो आने वाला साल एक अच्छा साल साबित होगा और हर प्रकार की समस्याओं से आप दूर रह सकते हैं। आने वाला वर्ष 2018 आप सभी के लिए शुभकारी और मंगलमय साबित रहे और आपको हर प्रकार की खुशियां मिले। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।